अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए Huawei Y6s 2020। वैसे तो इसे Y6s के नाम से ही लॉन्च हुआ है लेकिन 2020 वर्जन इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि ये हर साल Y6 लॉन्च करते हैं, Y7 भी लॉन्च करते हैं, Y9 भी आपने देखा पिछले साल 3 बार लॉन्च हो चुका है। तो इसी तरीके से Y6s है, बजट एंट्री लेवल Huawei की तरफ से फ़ोन आया है जिसकी प्राइस 20,899 रुपए कोट की जा रही है। काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कुछ सस्ते भी मिल रहे हैं, डील्स में ऊपर कुछ 21,000 तक प्राइस जा रही है। तो ये प्राइस का तमस्ता नहीं है, जो बेसिक है बात वो यही है कि सस्ता फ़ोन है, एंट्री लेवल है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मैंने देखा भी है टेक्नो जो पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहा है इसी प्राइस रेंज में कुछ अच्छे फ़ोन ऑफ़र कर रहा है। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था 12 एयर टेक्नो कैमन 12 एयर जो आया था उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इसमें सिंगल कैमरा सेटअप है। लेकिन देन अगेन ये Huawei है, ये ब्रांड इसका बना हुआ है, काफ़ी इन्होंने वर्किंग की है पाकिस्तान में। और अगर ये 20,000 का फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं बजट लेवल तो मुझे उम्मीद है कि फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि मैं इस फ़ोन का गिव अवे भी करूँ, बिल्कुल पैक ब्रांड न्यू ये वाला नहीं, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू आप लोगों को लेके दूँ। उसके लिए सिर्फ सिंपल तरीका है वीडियो एंड तक देखें, और ये अगर YouTube में देख रहे हैं तो इसमें ही आपने कमेंट करना है, सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, कमेंट करना है कि ये फ़ोन आपको क्यों अच्छा लगता है, क्यों चाहिए। और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो आपको YouTube के लिंक में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको वही सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करना है। अगर ये YouTube के सिर्फ एंट्रीज देखी जाएंगी, Facebook की कोई एंट्री नहीं देखी जाएगी, और अगर सब्सक्राइबर ना हो तो ये आप लोग उस एंट्री में एंटर नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं फ़ोन जीते तो सब्सक्राइब भी रख कीजिए, नीचे कमेंट भी करें, अपना व्यूज़ ज़रूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि जितना जो आपका व्यूज़ होगा, जो अच्छा मुझे कमेंट लगेगा उसको मैं एक फ्री रैंडम गिफ्ट अवे दूंगा। अब फ़ोन को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। और पहले हम फोन डब्बे में आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या दिखाई देगा। 64 GB की रैम है, रोम है, 3 GB की रैम है, ब्लैक कलर में है, ड्यूल सिम है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें मेमोरी कार्ड और फिर साथ में 2 सिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सिंपल सा बॉक्स है, कोई ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा लेकिन इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हर किसी एक जैसे ही होता है। और आइए देखिए आपको इस बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको एक वारंटी कार्ड नज़र आएगा उसमें, क्योंकि ऊपर रखा होता है वैसे ही होता नीचे ही है। सिम इंजेक्शन ट्रे, कुछ बुक्स हैं, पावर ब्रेक, USB चार्जर, ये आपको हर फोन में मिलती है। अच्छा, इसमें हेडफोन जैक ज़रूर दिया हुआ है लेकिन हेडफोन्स नहीं दिए हुए। एंट्री लेवल का फ़ोन था लेकिन इनको अगर ये दे देते तो कोई मसला नहीं होता। ये थोड़ी सी Huawei की तरफ से एक टैक्टिक में समझ नहीं आई और मोस्ट प्रॉब्ली कमेंट करके बता देंगे ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन इस फ़ोन के साथ हेडफोन्स शिप नहीं होते। अब हम फ़ोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़ोन काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इस फ़ोन को मैं सेटअप कर चुका हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा फिर वो टाइम ज़ाया ना हो। ऊपर आपको एक हेडफोन जैक दिया है उन्होंने, बैक में फिंगरप्रिंट रीडर दिया हुआ है और साथ में एक सिंगल 13 MP का कैमरा दिया हुआ है। बॉटम में USB का पोर्ट दिया हुआ है, साथ में उन्होंने आपको स्पीकर ग्रिल्स दिए हुए हैं। और दूसरी साइड पे उन्होंने आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं और एक साइड पे उन्होंने आपको सिम कार्ड ट्रे दिया हुआ है। अच्छा, सिम कार्ड को मैं भी खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर मेमोरी कार्ड और ड्यूल सिम्स की ऑप्शंस दी है। अब हम जब फ़ोन को देखें तो सबसे पहले इसके अबाउट होम में जाके आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। अच्छा, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं AMUI 9.1 है, एंड्रॉयड 9 है, इनका लेटेस्ट नहीं है जाहिर सी बात, अब एंड्रॉयड 10 आ गया है, लेकिन एक बजट एंट्री फ़ोन के लिए 9 देना भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 64 GB की स्टोरेज है, 3 GB की रैम है जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, तो ये तो बेसिक इसकी चीज़ें हो गई हैं। इस फ़ोन को अभी मैंने टेस्ट आउट नहीं किया, अनबॉक्स पहले कर दिया था लेकिन टेस्ट आउट करने का टाइम नहीं मिला था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गई थी, जैसे कि मैंने पहले आपको मेंशन किया, सिंगल बैक कैमरा है 13 MP का, फ्रंट फेसिंग सिंगल कैमरा भी है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। टेक्नो वाले ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फ़ोन दे रहे हैं, ऐसे ही ऑलमोस्ट
4GB रैम और 64GB की मेमोरी है उसमें। तो लेकिन जब हम लोग ब्रांड्स की बात करते हैं तो हुआवी इज़ ए बेटर ब्रांड। और उसके अलावा इस फ़ोन में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैं एक कम्प्लीट रिव्यू दूंगा, मैं बताऊंगा कि फ़ोन कैसा लगता है। इसका जब मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा देखता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं 13 ये जो फ्रंट फेसिंग कैमरा बजट फ़ोन के लिए कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैंने इसकी डब्बे के पीछे बैक कैमरे से ली थी, कहीं ना कहीं भी इसका पिक्सल्स नहीं फट रहे, फ़ोन A1 क्वालिटी दिखा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेढ़ा हुआ हुआ है, ये शायद बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आया था और वैसे होगा नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकती है इस फ़ोन की। ड्यूल सेम प्लस मेमोरी कार्ड इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है पाकिस्तानी मार्केट में देखा जाए, या कोई इंडियन मार्केट हो या कोई भी ऐसी मार्केट हो जहाँ पे बजट एंट्री फोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान स्पेशली इस मुल्क में जहाँ पे लोग महंगे फ़ोन्स लेना प्रेफर नहीं करते, उसके लिए यार ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ड्यूल सेम मेमोरी कार्ड, 64GB की आपको इंटरनल मिल रही है बिल्ट इन, 20,000 का फ़ोन है, आपको इस फ़ोन में हर चीज़ मिल रही है, कैमरा भी अच्छा है। देन अगेन इसकी जब मैं फुल रिव्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको क्या क्या इसके गुड्स एंड बैड्स प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा गिव अवे कॉम्पिटिशन भी है, एंट्री आपको मैं बता चुका हूँ शुरू में कैसे करनी है। और अगर आप लोगों की वीडियो फिर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट वैसे भी आपको एंट्री के लिए करना है लेकिन आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं इस फ़ोन के बारे में क्या लगा। और टिल नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, इसकी एक रिव्यू वीडियो भी आ रही है जिसमें मैं पूरा बताऊंगा फ़ोन, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कैमरा होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।